कमरमशनी टाउन कमेटी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, तजावुजात माफिया पपैर गया और चीफ ऑफिसर की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई। चीफ ऑफिसर जान बचाकर भाग निकले। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुम्हारे मेजबान रहमतुल्लाह नियाज़ी। इस वक्त मैं कमरमशनी टाउन कमेटी ने गेट मौजूद हाँ, सारे नाल एक भाई मौजूद हैं। टाउन कमेटी ने अमला इन्हों आखना है कि टाउन कमेटी ने अमला इन्होंने बड़ी ज्यादती करना पे, और जितने भी कमरमशनी ने रेहड़ियाँ वाले गरीब जेरे दुकानदार हैं उन्होंने टाउन कमेटी ने अमला अक्सर जरा है ना वो ज्यादती करना है ना। इन्होंने कोई ऐसी जात बहुत नहीं जा रहे हैं जी, जाते अपनी रोजी कमा सकन। अगर ये फुटपाथ ने पीछे जाना रोजी कमाने तो उत्थे ही आके इन्हों को अक्सर औकात जुर्माने भी की वे, और इन्हों को इन्होंने चीज़ा मुख्तलिफ पलटियां मैनियां सारे नाल। इस वक्त एक मुतासर भाई मौजूद ने इन्होंने नाल आज ज्यादती की ने, क्या आखना चाहते हो भाई की सवेरे सवेरे जी? हमेशा सरकारी मुलाजम कह रहा होना है ना, उसने जी 8 बजे डिप्टी शुरू थी ये 6 बजे नाल आसी कोई गरीब खलो दी उसको रेड़ी तो कौन है कौन कौन भाई ना साधु ना कौम ना मुर्गा थी ना। सवेरे मैं दुकान लेना पा मैं सौदे ने भजना बता मेरा भाई खला दुकान तो उन्हें आके दुकान की तोड़ फोड़ की थी, तरपाल वारी थी, सामान को लत्ता मारिया। मैं उसने गया मैं कि यार कोई इंसान नहीं उत्कार, तू सरकारी मुलाजम है तो नहीं तू सारा जात की कार, तेरे को कह रहा सौदा देवे सस्ता, कह रहे तेरे को देवे मुंह तो रोड़ने में चाले चारे, कह रहे थे अगर सौदे ने पैसे गिने तू उसने जात की करे ना, मेरे को देखे ना मैं वाज वाज तेरे को मिल गिन ला। और सवेरे आया जी सारे दुकानदारों को जुर्म किया है मुस्टे उसने कोलो कापी आई मैं दुकान ऐसी साहब मुस्टेड साहब आई कह रही है उसने उसने मैं जी इज्जत करके दुकान चाके मैं दुकान चाके पीछे गिन गया भाई याद की वो नाल बता मेरा मुफारी रखी वे उसने बावजूद वो आए ना रेट पूछा ना कोई चीज पूछी और एक नाल मुंडा ये चाहिए था वो मेरे को क्या कह रहा है 1000 रुपया निकाल मैं 1000 रुपया कट के जी देख ये जी जरमदार करे साहब 5000 करे अजा कहे को तोल घाट दिवा कहे को रेट ज्यादा दिवा सारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी मैंने ठीक है ना साहब को सौदा महंगा मिलना पे मैं कशु खुदा नहीं खेना पे मैं 8वां 9वां रोज है मैं कम अज कम 30000 रुपया तवान की था नुकसान की थी प्या मेरे को गवर्नमेंट दे सकनी है पीछे आके साधु ये जुर्म कर मैंने खैर सारी कोई कसूर को हर दुकानदार को जुर्म किया क्यों किया कोई दस दे रहे कोई दस दे रहे भाई इस बार मैं जुर्म किया रेट ज्यादा टोल काट बैठा ना बिच मारो के भाई जुर्म करे ना सा को सोना लग रहा है मैं इतना आया खेला मेरी दुकान सारी बिट गई मेरी चीज ये खोल पे अल्लाह पाक दे रहा है उसको लत्ता मार नहीं हो अच्छी गल है अच्छी गल है तो देखो ये बहुत बेहुदी गल है अल्लाह पाक इस गल से नाराज हो रहा है लिहाजा मेहरबानी की थी मैंने को जुर्माना किस मत क्यों महंगाई से महंगा भी चाहते पाओ साहब जी जरा ऐसा आटा की दाना साहब जी फ्री जरा काट दे ए साधु से बड़ा हुआ आई थी साधे घर सारे दुकानदार का मैं खुद फ्रूट बेचना दहाड़ी थे 500 रुपया डीना है 1000 रुपया आज मेरे कहानी गिन गया रेड़ी से मैं खोलो ना ठीक है ए टैक्स सारे तो जुर्म लेने पे जुर्म हो गया अगर महंगाई करा सौदे में चाह बस सारे तो जुर्म लेना हकदार ए सारे तो जुल्म कीता ने जुल्म ए जजीद ने समझ सारी ना जुल्म कीता ने जी बिल्कुल ए तो दुकानदार ना मौका सोया जी के इना ले असिस्टेंट कमिश्नर और जरा टाउन कमेटी ने हमले और ज्यादती करना पे आसा वान के टाउन कमेटी ने हमले को असिस्टेंट कमिश्नर को पता करेगा कि उना ने क्या मौका वेस बारे सानल जी ज्यादती की थी ना आज ने टाउन कमेटी ने या सदर साहब ने जाने ने जाए यार मैंने ज्यादती की थी डिप्टी को पूरा करना हो इना जेरे बैठे मेन रोड ते मैं 1000 दफा गया इना को आके 1000 दफा इना को मैंने किया भी यार तुम कम अज कम मेन रोड ते ना बहो सर्विस रोड को यूज करके तुसा अपना कारोबार करो लेकिन उसने बावजूद जेले मैं वे ना थोड़ी जी साइड मार बात हूँ जेले आधे घंटे बाद मैं दफ्तर आता हूँ बात होता ही रेड़ियां जमा करके दी गलो ने सुबह मैं गया हनीफ ते शबीर जे रहे हैं एक लोते हैं मैं इन्हें आख्या यार तुसा कम अज कम 10-10 8-8 फुट वधे खले मेन रोड वाले पासे
कम अज कम मेन रोड को तो करियर करके खिलो वो मेन रोड ने उते बांस बदी खले तले वटे रखे ने वटा ने नाल रदियां बदियां खलिया ता उना ने को आखा यार मैं उसको लाती मारी है वटे को लात मारी और रसी को लात मारी उन्होंने फ्रूट को नहीं लात मारी वटे को लात मार के रसी को लात मार के उन्हें बांस गिरा देता है उदा कहे आज ये लात मारी अंधा कर लात मरे हो ना चंगा कम न हो सी और मेरे नजदीक ही नाम है कौन होने है तू जो था को ये गला होने का मैं ये गला अल्फाज ने सुन के ना मैं वापस ले गया मैं कहा चलो ठीक है अगर ये गल है ना तो कानूनी कार्रवाई हो रही मैं आके साबना को फोन की थी साबना को दस है और इतने निकले साबना आ गए उस जुर्माना किया जरे तजावज की बैठे हैं तुम्हारे सामने जुर्माना थे हर बंदे को अपनी रसीद चाहिए उसने बावजूद जरा ये धावा बोला ने दफ्तर ने उते पथराव किया ने गालियां गलौज ओ हनीफ ते ओ नाल घिन के हैं मतलब आफिज ने तो ना हमला की थे और हाँ साबना का साबना जुमा पढ़ गया नमाज पढ़ गया उसको ने सरकारी कह दी तो ना धावा बोल लेता है मतलब ये उन्हें गाली गलौज किया है पथराव भी किया है और नारेबाजी की थी मकसद ये आता है इन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं जेरा साको गालियां कड़ियां तारे खिलाफ बोले ही हैं असा उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता हूं कमर निशान ही निवेचे बिल्कुल जी एनक्रोचमेंट ना मसला है मीडिया भी कितने दफा उन्होंने निशानदाही करे नहीं रहा नहीं उसने बावजूद इतने लोग जरा एनक्रोचमेंट वाकई वो नहीं करना और जेरे टाउन कमेटी ने मुलाजमीन है उन्होंने भी बड़े मसायल हैं क्योंकि लोग को लोग है और लोग उन्होंने गाल नहीं मनना इस वास्ते ये मीडिया ने भी और जेरी सिविल सोसाइटी है उसने भी आला काम तो डिप्टी कमिश्नर तो ये रिक्वेस्ट है कि इन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की वजे ताकि एंदा इस किस्म की हरकत न करें तो तुसा क्या कहने हो कि अगर अगर जेरे इसने खिलाफ कार्रवाई न थी इन्होंने तो थोड़ा के मौकफ हो दी जरा तुसा अमला टाउन कमेटी ना भाई ऐसा पूरी कोशिश करता है इन्होंने खिलाफ लिखा जरा इन्हें कानून गैर कानूनी हरकत की थी उस पदाश का विधान उसने खिलाफ लिखा कि सारे खिलाफ ये मतलब गैर अखलाकी अल्फाज बोले ने मतलब हमला किया ने गाली गलौज किया ने मतलब जेरे सारे खिलाफ गए वो असा लिखा कानून को असा मतलब फुकर था जाति की है किसी ने छावड़ी वाले ने तो उसका मैंने इस्तगासे का कहा और दूसरी जो है मैं वो कमेटी की जगह है वहाँ पे वो बैठे हुए थे इनक्रोचमेंट फ्रूट वगैरह लगा के उनको जुर्माने किया है जुर्माने करके जब वापस आए हम जुमा पढ़ने चले गए हैं वापस आए हैं तो उन्होंने ना 25-30 बंदों ने गाड़ी पे दावा खोल दिया पहले कोई नहीं ऐसा कोई मसला हुआ फाइन बड़े आराम से उन्होंने करवा लिया लेकिन बाद में सारे इकट्ठे होके आ गए और दावा बोल दिया 25-30 ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहाँ से निकाल के इधर कमेटी में आए हैं फिर वापस वो पीछे ही कमेटी के गेट पे आ गए गेट तोड़ने की कोशिश की पथराव भी इधर किया तो इसलिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते इंशाल्लाह जय कानून हाथी की दया उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करता इंशाल्लाह कहें उन्होंने गुरैत नहीं की वैसी जय जय जितना कानून तोड़ा है उस उन्होंने उतना उनको सजा मिलती इंशाल्लाह।